कैसी रही रात आपकी? मानो रात हम लोग डर लगा है। किस चीज से? उन लोगों ने मुझे डॉगी का बता दिया था ना मैं। तो डर लग गया अभी तक। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग अनदर डे। सुबह हो गई बच्चों की, जारा की भी हो गई, अरीशा की भी हो गई, ईमान की भी हो गई, और बस अब जाने लगे नाश्ते के लिए। सब रेडी हो रहे हैं, मैं रह गया हूँ बस। मैं सबके बाद रेडी होता हूँ क्योंकि यार मुझसे इंतजार नहीं होता है। तो बस अभी नाश्ते के लिए जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि नाश्ते में क्या क्या है। तो जो ये वीडियो देख रहा है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन में दबा दे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि मजे मजे की वीडियोस आप देख सकें। सुबह सुबह नेल आर्ट्स, ये रोज मेरे से चुप कर आए। चलें नाश्ते के लिए। पहले मैं जैकेट पहन लूं। चलें नाश्ते के लिए। चलें, चलो आ जाओ। बस निकल के नाश्ते के लिए, टाइम बहुत कम रह गई है, कहीं मेरी खत्म ना हो जाए। ठंड हो रही है अच्छी सी, मजेदार। ओए होए, क्या क्लाउडी मौसम हो रहा है, माशाल्लाह एकदम से बादल आ जाते हैं। यहाँ का मौसम का पता नहीं चलता। अभी 8:30 बजे मैं उठा था तो इतना ही धूप, कड़क धूप थी और ऐसा लग रहा था जैसे मतलब बहुत गर्मी है। और सूरज वो ऊपर आया हुआ था 8:30 बजे और इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन 10:15 हो रहे हैं और इस वक्त बादल आप देखो माशाल्लाह से। बच्चों के साथ सबसे ज़बरदस्त हिल स्टेशन मेरी नज़र में मरी है। जब हम बच्चे थे छोटे थे तो मरी कुछ और था, आज जब बच्चे छोटे हैं हमारे तो मरी कुछ और है। तब के टाइम पे मुझे अच्छी तरह, जब मैं तकरीबन क्लास ऑफ 3 में था तो उस वक्त जो मरी था ना, वो उसमें इतना बाजार नहीं था। माल रोड जो थी वो बहुत, एक तरफ सिर्फ और सिर्फ पहाड़ थे और दूसरी तरफ छोटे मोटे कैबिन थे, लेकिन अब तो पूरा बाज़ार बन गया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं तैयार नहीं हुआ, मैंने बोला पहले नाश्ता कर लूँ उसके बाद तैयार होगा, रेडी होगा। तो अभी मैंने कल वाले ही कपड़े धोने थे, मैंने कहा मेरा नाश्ता कर लो भाई। सब लोग नाश्ता करके जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आ गए सेपरेट अपनी टेबल पे, सुकून से नाश्ता करेंगे भाई। यहाँ पर फ्रेंच टोस्ट, ऑमलेट, बटर। मैं सोचता हूँ मैं धुआं और क्या नज़ारे। कॉफ़ी हो, ये साइड सीन हो, जिंदगी में और क्या चाहिए। प्राइसलेस मोमेंट्स। जबरदस्त बादल आ गए हैं भाई, बेहतरीन जबरदस्त। पूरा नाश्ता किया उसके बाद देखो यार क्लाउड्स कैसे आ गए सामने। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस व्लॉग इज अबाउट दिस व्यू। चेक बिहाइंड, इस व्लॉग के सारे पैसे इस जगह के, इस टाइम के जो मैं स्पेंड कर रहा हूँ यहाँ पर, और ये प्रेसिस मोमेंट्स है मेरी ज़िंदगी के फैमिली के साथ और बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में। होटल का नाम मैं ज़रूर लूँगा, रूमी लॉजिस। चेक इन करें और इसको विज़िट करें और एक्सपीरियंस करें इनके खूबसूरत साइट सीइंग और इनके होटल्स पूरे नॉर्थ में हैं माशाल्लाह सब। वो लेडी माँ सामने जो बैठी हुई है, ये उनका घर है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। चारों तरफ जंगल और ये बादल चल रहे हैं, कितनी फ्रेश हवा है। वो लकड़ी पे पूरा वुडन पे काम कर रहा है, कितना रिस्की है, कोई सेफ्टी नहीं है उसके पास, लेकिन वो फिर भी अपनी जान को जोखिम में डाल के इस तरह से। तो बस अब यहाँ से चेकआउट करेंगे, 12 बजे का टाइम है, उन्होंने मुझे एप्लीकेशन दी है 1 घंटे की, आप 1 बजे तक कर रहे हैं। ये कैफे था ना हमारा, ख़त्म हो गया। कैफे ख़त्म कर दिया? हाँ, तो कैफे दूसरा चल रहा है नीचे। सही सही सही। कैसा रहा नाश्ता बच्चों? अब जाते हैं रूम में, जाके चेंज करते हैं। बादल हमारे साथ साथ हैं, ये सारे बादल हैं मेरे सामने, पूरे क्लाउडी। अब कैमरे में इतना शो नहीं हो रहा जितना वैसे ही आपको शो हो रहा है, फोक फोक सा लग रहा है। बहुत मज़े का बिस्तर है यार, दोबारा दिल चाह रहा सो जाऊँ। उठने का दिल ही नहीं कर रहा हमको। बोली यार थोड़े पैसे ऊपर ले लो, हमें नींद करने को। फिर 4 घंटे सोए यार, 4 घंटे, 4 बजे सोए और 8 बजे उठ गए।
बच्चे बड़े मजे से लगे हुए, मैं जरा कुछ कैंडिड मोमेंट्स कैप्चर करूँ बच्चों के क्या कर रहे हैं। लो खुल गया। ड्रॉन शॉट लेते हैं और फिर चेकआउट तो कर लिया रूम से और यहाँ से निकलते हैं, आपको ज़रा एरियल भी दिखाते हैं इस होटल के और मरी हिल्स के। सारे बादल थे, मेरा ड्रोन जो है उसमें से कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, जब ड्रोन उतार लिया जाने लगे तो अब ये सारे बादल फट गए। चलो भाई सनरूफ खोलने वाला है। बच्चों के लिए अच्छा है। रस्ते में ये जगह देखी मैंने, कहा थोड़ा सा यहाँ रुकते हैं यार, जगह देखें आप माशाल्लाह से यार क्या खूबसूरत है यार, ऊपर से बादलों का व्यू और फिर नीचे इसके पहाड़ और ये लहराती हुआ ट्रैक खूबसूरत लग रहा है। सारे यहाँ पर इनके जो है ना लोकल्स हैं यहाँ पर जो रह रहे हैं, माशाल्लाह से क्या एनवायरमेंट है इनका यार, माशाल्लाह से रोज़ सुबह इनकी इतनी खूबसूरत होती होगी, इतनी बर्फ होती होगी माशाल्लाह से, पहाड़ों के बीच में ताज़ा ताज़ा हवा और एक फील ही अलग आ रही है। और मैं आपको मरी में एक मरी के पास एक आबशार दिखाता हूँ जो बह रही है ऊपर से नीचे, मतलब पानी है, खुली फिजा है, खुला आसमान है। ये हम इस्लामाबाद जा रहे हैं वापस और इस्लामाबाद जाते हुए ये रास्ता आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा उतर के थोड़ा सा ये इसका साइड सीन कर लें, थोड़ा सा यहाँ पर ताज़ा हवा ले लें। और वो नीचे बकरियाँ ज़बरदस्त माशाल्लाह से, वेदर इसका बार बार चेंज हो रहा है, एकदम से बादल आते हैं क्लाउड्स आते हैं फिर एकदम से चले जाते हैं और बड़ा एक खूबसूरत वेदर है माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप नॉर्थ साइड पे जब आते हैं ना, अच्छा ये मरी जो है ना ये बेसिकली पंजाब में आता है, पंजाब के डिवीज़न में आता है, लेकिन आप जब नॉर्थ साइड पे आते हैं सिर्फ आते हैं पहाड़ों में तो सारे पहाड़ आपको एक जैसे लगेंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे कौन सा पहाड़ कौन सा है। मतलब अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ तो अगर मैं बोलूँ ये नारंग के पहाड़ तो लोग समझ जाएंगे, तो सारे पहाड़ सेम ही हैं, बस ये है कि वो जगहों का फ़र्क है, नाम का फ़र्क है। तो पूरा नॉर्थ जो है ना इसी तरह से हुसन से भरा हुआ है माशाल्लाह से। नारंग के पहाड़ बहुत अच्छे हैं भाई एहतजाम कह रहा, नारंग के पहाड़ बहुत अच्छे हैं, अंडरस्टैंड कर लिया मैंने। ये है कि नारंग के पहाड़ ज़्यादा ऊँचे हैं, बहुत ऊँचे हैं, ये थोड़े से कम नीचे हैं, बस ये है, बस ये फ़र्क है। और गिलगित जाओ तो और पशु कौन जाओ तो वो अलग है, वो मेरी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला वहाँ की चीज़ें भी आएंगी इंशाल्लाह, अभी जाके वो भी डिस्कवर करते हैं नेक्स्ट व्लॉग्स में। तो मज़े मज़े की वीडियोस बहुत सारी आने वाली हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर कर दो ताकि आगे के काफ़ी सारे आपको कंटेंट मिले, अच्छे अच्छे फैमिली ट्रिप्स मिले, सोलो ट्रिप्स होंगे, दोस्तों के साथ होंगे, हर तरह के ट्रिप्स होंगे, ट्रैवलिंग होगी और बहुत सारी और भी चीज़ें और भी एक्सपीरियंस करेंगे और इंजॉय करेंगे। जब हम मरीज से नीचे आए तो इतनी सख्त गर्मी हो गई ना इस्लामाबाद में, ठीक ठाक गर्मी है। एनी आओ हम लोग आ गए अभी भी रेस्टोरेंट, यहाँ पर खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, फिर यहाँ से हमारा जो है ना प्लान हो गया थोड़ा चेंज, हम लोग जा रहे हैं वापस पेशावर, तो हमें कुछ और जगह भी विजिट करनी है। तो हमने कहा यार मरी का जो हमने रात में एक्सप्लोर किया काफ़ी था, सुबह के टाइम पे फिर हमने ये किया कि नाश्ते बूफे वगैरह सब चीज़ें तो हो गई, अब हम डायरेक्ट इस्लामाबाद आ गए, इस्लामाबाद आके हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं लंच, क्योंकि लंच टाइम हो गया, भूख टाइट लग रही है हम सबको,
तो बस ऑर्डर किया। तो मैं अब आपको हबीबी का थोड़ा सा फूड रिव्यू करवा दूंगा कि ये रेस्टोरेंट कैसा है, यहाँ का फूड कैसा है। तो अभी बस खाना थोड़ी देर में आने वाला है, हम खाते हैं फिर आपको रिव्यू करते हैं। फास्ट फूड जो हमने लास्ट टाइम खाया था उससे जो है केएफसी के बाद हमारी सबकी हालतें ख़राब हो गई थी, बहुत ओवरलोड हो गए थे हम लोग और हमारे सबके जो है ना हार्ट बर्न शुरू हो गया था। तो अभी जो है ना हमने यहाँ पर देसी फूड ट्राई किया है, क्योंकि देसी फूड की बात ही अलग होती है। तो चिकन कढ़ाई मंगाई है, हाफ साथ में से काफ़ी पुलाव मंगाया है और टिक्के मंगाए हैं। तो अभी ये हमने ऑर्डर किया है, साथ में रोटियाँ छुट्टियाँ हैं। तो बस अभी ये हम पाड़ते हैं और फिर आपको बताते हैं कि खाना कैसा है इसका। थोड़ी देर टिक्का, अरे कढ़ाई चिकन कढ़ाई भी आ गई है, चिकन टिक्का भी आ गया है। चुंचू मसाला तो आधे घंटे पहले आ गई थी और ये आ रहा है अब काफ़ी पुलाव। ज़बरदस्त बड़ी जबरदस्त बिल्डिंग बनाई हुई है काफली ब्लॉग की रहता है। और ये रोटियाँ जबरदस्त, और कुछ रहता है हमारा। अब शुरू करते हैं खाना, अब खाना शुरू करते हैं यार, फिर आपको रिव्यू देते हैं। बहुत टाइट भूख लग रही है। तो भाई खाना खा लिया माशाल्लाह, फूड बहुत गुड, सब चीज़ें अच्छी थी, कढ़ाई भी अच्छी थी और काफी ब्लॉग बहुत अच्छा था, सैलड वगैरह हर चीज़ की चीज़ में। अभी भी का जो फूड रिव्यू है वो 10+10 है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा खाना था, मुझे बड़ा पसंद आया। पूरे इस एरिया में सबसे कलरफुल बिल्डिंग इसी की है। बस यहाँ से निकल रहे हैं पेशावर के लिए, पेशावर जाके वाला व्लॉग आज का एंड करेंगे। इस्लामाबाद की रोड्स और ड्राइव बहुत स्मूथ है यार, कराची में तो है ही स्मूथ लेकिन इस्लामाबाद में जब ड्राइव करते हैं ना उसके बाद कराची की रोड खुल जाते हैं। तो माशाल्लाह से 4 से 5 लेन होती हैं एक ही रोड पर और बहुत ज़्यादा मतलब खुली खुली रोड्स हैं, मज़ा आता है ड्राइव करने का। मतलब आपके पास फास्ट लेन तो अलग है, उसके साथ 3 लेन्स और चल रही होती हैं। कराची में सिर्फ 3 लेन्स होती हैं, एक फास्ट लेन फिर 2 स्लो ट्रैक होते हैं। तो यहाँ तो बड़ा जबरदस्त वेदर भी बहुत अच्छा है और रोड इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, गाड़ियाँ बहुत कम है और सारी गाड़ियाँ बेहतरीन है, पॉल्यूशन भी नहीं है, मतलब आपको कोई लोकल गाड़ियाँ नज़र नहीं आएंगी। मज़ा आ रहा है ड्राइव करके यार। ऑर्डर पर रुके हुए हैं, बच्चे को नहीं वैसे बात है भूख लग रही है, बच्चे को हमने तो खाना खा लिया, अब बच्चे ने भी तो कुछ खाना है ना, तो बस उसके दूध बन रहा है फिर टूवर्ड्स पेशावर। मोटर में चेक करें, मेरी सबसे ज़्यादा जो है ना मतलब मुझे जो मेरी एक बहुत अच्छी ख्वाहिश समझते ख्वाहिश है मोटरवे पर ड्राइव करना हमेशा,